आज शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल और कंगना रनौत की मीटिंग होने वाली है। ठाकरे सरकार और कंगना का झगड़ा बुलडोजर से आगे बढ़ चुका है। मुंबई पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि कंगना को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। कंगना के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियोस खंगाले जा रहे हैं। अभी तक कितने सबूत मिले हैं, क्या क्या बातें पता चली है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। क्या उद्धव ठाकरे कंगना को सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेंगे? क्या सोमवार को कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि कंगना को शनिवार सुबह सुबह सोमनाथ मंदिर की तस्वीर पोस्ट करनी पड़ी? कंगना को यह क्यों लिखना पड़ा कि सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है कि क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की होती है। भक्ति और शक्ति के बीच कंगना को किस चीज का डर सता रहा है? क्या कंगना का डर इन तस्वीरों में छिपा है? क्या कंगना को यह लग रहा है कि ड्रग्स मामले की आंच किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकती है? इंजेक्शन लगाती कंगना के इन तस्वीरों का सच क्या है? 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। क्या कंगना वाकई में एक ड्रग एडिक्ट थी? क्या कंगना का यह कबूलनामा उनके लिए मुसीबत बन सकता है? इस वक्त मुंबई पुलिस कंगना की पूरी वीडियो लाइब्रेरी खंगाल रही है। और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना, तुम्हें आदत ना लग जाए, क्या मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है। सो हाउ कैन दिस हैपन? फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस की नजर कंगना के हर वीडियो पर है। मुंबई पुलिस ढूंढ रही है कि कंगना ने ये बात कब की थी। क्या कंगना की खांसी और उल्टियों का कनेक्शन ड्रग्स से था? और क्या ड्रग्स ना मिलने की वजह से कंगना बेचैन हो जाया करती थी? क्या कंगना ड्रग्स के लिए तड़पने लगती थी? मुंबई पुलिस सब जानना चाहती है। तो मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में, तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी, ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने गुलाम बना लिया। और मुझे मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज ऐसे जब रूल करने लगती है, तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन। तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु भी हैं सूर्य नारायण, उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी ने गुलाम बना लिया, और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया। मुंबई पुलिस जानना चाहती है कि इस वीडियो में कंगना रनौत खुद को बेबस क्यों बता रही थी। वो कौन सी ऐसी चीज थी जो कंगना को अपना गुलाम बना लेती थी? क्या वो चीज ड्रग्स थी? मुंबई पुलिस की नजर इस एंगल पर भी है। मुंबई पुलिस कंगना की ड्रग्स वाली फाइल के पीछे पड़ चुकी है। कंगना को कभी भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या कंगना को उद्धव ठाकरे को तुझे कहने की सजा जेल जाकर चुकानी पड़ेगी? मुंबई पुलिस सब पाताल लोक से भी कंगना के ड्रग्स कनेक्शन के तार जोड़ने की कोशिश करेगी। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, अब ये देखिए। मुंबई पुलिस कंगना और ड्रग्स की पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करेगी। कितने अखबार में छपा कि कंगना ड्रग्स लेती थी, सबकी पड़ताल होगी। किस टैबलॉयड में कंगना पर क्या छपा, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। सोशल मीडिया पर किस किस ने क्या लिखा, सबकी जांच होगी। कंगना के सारे ऑडियो वीडियो खंगाले जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, SMS निकाले जाएंगे। कंगना के खिलाफ जिन जिन लोगों ने जो बोला, मुंबई पुलिस सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। कंगना के खिलाफ दिए गए हर इंटरव्यू को जांच में शामिल करेगी मुंबई पुलिस। You said that she asked you to take cocaine. Yeah. You had hash with her for. I did 4-5 times. Yeah. And she asked you to have cocaine. Yeah, I said no. I didn't want to do it. Hmm. And she took it regularly? Well, I didn't see her taking cocaine regularly, but I've heard that she did. She did hash. साधारण भाषा में कहें तो पहले कंगना के वीडियोस लीक होंगे और फिर सूत्रों के हिसाब से खबरें चलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कंगना और ड्रग्स का रिश्ता बहुत गहरा है? 26 अगस्त 2020 को कंगना ने खुद ट्वीट करके ड्रग्स माफिया का भांडा फूटने का दावा किया था। पिछले महीने कंगना ने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में घुस जाए तो कई सारे A-listers जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगर सबके ब्लड टेस्ट कराए जाएं तो कई सनसनीखेज खुलासे होंगे। उम्मीद है PMO इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड कहे जाने वाले गटर की सफाई करेगा।
सवाल ये है कि जो कंगना खुद सार्वजनिक मंच से बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट की जांच की बात करें, जो खुद ये कहें कि मेरा ड्रग टेस्ट करा लो, जब वही कंगना रनौत अभी भी ड्रग्स ले रही हैं, कंगना की ऑडियो और वीडियो में जो कुछ सुनाई दे रहा है, क्या वही सच्चाई है या फिर हकीकत कुछ और है? बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिससे साबित किया जा सके कि कंगना भी एक ड्रग एडिक्ट है। क्या वाकई में ऐसा है? कंगना ने ड्रग्स के बारे में जो बताया उसकी पूरी ABCD हम सब बताएंगे। कंगना किसकी गुलाम है या थी, इसकी भी डिटेल्स देंगे, क्योंकि इस ड्रग्स वाली फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग कंगना की फिल्मों की तस्वीरें दिखा दिखा कर कंगना को घेर रहे हैं। कंगना को ड्रग एडिक्ट बताते हुए उन पर नशा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा करते हुए सोशल मीडिया पर बाकायदा मुंबई पुलिस को टैग किया जा रहा है। मसलन इस हेडलाइन को देखिए जिसमें लिखा है, कंगना का ड्रग एडिक्ट वाला वीडियो वायरल। सोशल मीडिया यूजर्स ने मुंबई पुलिस को टैग किया। लेकिन मुंबई पुलिस अगर सोशल मीडिया के शार्प शूटर्स के वीडियो और ट्वीट्स की जांच करेगी तो उसे कंगना का ड्रग कनेक्शन ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंगना का ड्रग्स लेते हुए ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कंगना ने अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में और बाद में भी कई ऐसी फिल्में की जिसमें उन्हें ड्रग एडिक्ट और शराब पीने वाली लड़की का किरदार निभाया। मुंबई पुलिस कंगना के जिस ड्रग एंगल की जांच कर रही है उसकी जड़ में कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन का 4 साल पुराना इंटरव्यू है, जब उन्होंने दावा किया था कि कंगना ने उन्हें जबरदस्ती कोकीन लेने के लिए कहा था। पिछले कुछ घंटों से यह हेडलाइन भारत सहित पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है और मुंबई पुलिस इसी बयान के आधार पर कंगना को ड्रग्स मामले में फंसाने की फिराक में है। आपको एक बार फिर कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड का वो बयान सुनाते हैं। You said that she asked you to take cocaine. Yeah. You had hash with her for... I did 4-5 times, yeah. And she asked you to have cocaine. Yeah, I said no. I didn't want to do it. She took it regularly? Well, I didn't see her taking cocaine regularly, but I've heard that she did. She did hash. ये बयान कंगना के खिलाफ भी जा सकता है। PMC के बाद अब मुंबई पुलिस हाथ धोकर कंगना के पीछे पड़ चुकी है। यही वजह है कि अब कंगना के हर वीडियो को देखा जा रहा है। कंगना की हर पार्टी पर मुंबई पुलिस की नजर है। कंगना के हर एक्शन, उनके एक एक रिएक्शन, डांस के वक्त उनकी एक एक हरकत का बारीकी से एनालिसिस किया जा रहा है। बात सिर्फ कंगना के अलग अलग वीडियो की नहीं है। मुंबई पुलिस तो कंगना के बयानों को भी रिपीट कर करके सुन रही है ताकि कुछ क्लू मिल सके। वो बात दूसरी है कि इसके लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के उन्हीं हिस्सों को सुना जाएगा जिन्हें सिर्फ कंगना को फंसाने के लिए काट छाट कर वायरल किया गया। मसलन कंगना का 29 मार्च 2020 वाला ये वीडियो देखिए। इन दिनों इसका सिर्फ एक हिस्सा वायरल है और वो है ये, जिसमें वो खुद को ड्रग एडिक्ट बता रही थी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। कंगना इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं कह रही थी कि वो अभी भी ड्रग्स का सेवन करती हैं। वो इस वीडियो में अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव की बात कर रही थी और बता रही थी कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल हालात से खुद को बाहर निकाला। लेकिन कंगना का वो हिस्सा वायरल नहीं हुआ। आप भी सुनिए उन्होंने इसमें क्या कहा था। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता है जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा।
मुंबई पुलिस की नजरों में कंगना का एक और वीडियो है जिसमें कंगना को किसी चीज का गुलाम कहते हुए सुना जा सकता है। वो अपने पास किसी पैकेट को रखने का जिक्र कर रही है। इस वीडियो के भी वही हिस्से वायरल हैं जो कंगना के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन वीडियो की सच्चाई हम आपको बताते हैं। 2 अप्रैल 2020 को कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड किया था और इसमें वो किसी ड्रग्स की नहीं सिगरेट की बुरी लत से उन्होंने कैसे पीछा छुड़ाया उसका जिक्र कर रही है। आप भी सुनिए। मैं 19 साल की तो फिल्म की शूट कर रही थी बोला में, तो उसमें मुझे मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी, तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है, मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है, सो हाउ कैन दिस हैपन। पर जैसे 6-7 महीना शूट करते रहे उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी, मगर उसके बाद जैसे दोस्त कोई आ गए 2-3 सिगरेट पी रहे थे एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10-12 सिगरेट्स, और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी, ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने गुलाम बना लिया और मुझे मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसे जब रूल करने लगती है, तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन, तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु भी हैं सूर्य नारायण उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी ने गुलाम बना लिया और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया हो। लेकिन कंगना के इस वीडियो के कुछ हिस्सों को काट छांट कर फैलाया जा रहा है और असली बात छिपाई जा रही है। असली बात खुद कंगना की जुबानी सुनिए जो उन्होंने वीडियो के अंत में कही। अगर आप अपनी विल पावर पे काम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप चाहे उपवास रखिए छोटे छोटे, जैसे मैंने कल दान दिया, तो आप त्याग उसी चीज का कर सकते हैं जो आपको चाहिए होती है, जिसकी आपको जरूरत होती है। इससे आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ी, धीरे धीरे ऐसे दोस्त छोड़े जो कहीं ना कहीं थे तो दोस्त मगर सिर्फ नुकसान ही करते थे लेकिन छोड़े नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा देखा कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो कुछ लोग आपका अच्छा करने के बजाय ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं, तो उनका त्याग किया। धीरे धीरे त्याग करते करते मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मगर मेरी लाइफ पे डेफिनेटली मेरी ही चलती है। कंगना ने अपने वीडियोस में सारी बातें साफ साफ बता रखी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस का इरादा पूरी बात सुनने में नहीं शायद बदला लेने का है, और इसीलिए मुंबई पुलिस की एक बड़ी टीम ऐसी है जो कंगना के खिलाफ वीडियोस ढूंढ रही है ताकि वीडियोस को आधार बनाकर पुलिस पूछताछ कर सके। लेकिन ये बात कंगना से बदला लेने की है, ऐसे में उद्धव ठाकरे किसी भी हद तक जा सकते हैं।